दोस्तों आज हम बनाएंगे ठंडी ठंडी आम की खीर, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल कम समय में। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। तो ये हमने 3 चम्मच देसी घी डाल दिया और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी सेवई। तो ये 1 कटोरी सेवई लगभग 200 ग्राम के करीब थी और इन्हें हमें अब सेकना है, तो हम इन्हें ब्राउन कलर का होने तक सेकेंगे। जितनी अच्छी हम सेवई सेकेंगे हमारी खीर भी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से सेक रही हूँ इन सेवई को। कंटिन्यू चलाते हुए इन्हें सेकना है हमें, नहीं तो ये जल जाएंगी। इन्हें सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही ये बहुत अच्छी सिक जाएंगी। तो ये देखिए हल्का हल्का इनका कलर चेंज होने लग गया है और अब देखिए ये पूरी सेवई अच्छे से सिक चुकी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो ये 200 ग्राम सेवई में मैंने 1 लीटर करीब दूध डाला है। तो दोस्तों ये जो मैं खीर बना रही हूँ ये सेवई की बना रही हूँ, आप चावल की भी बना सकते हैं। तो दूध हमने डाल दिया है और अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे बनने देंगे। और जैसे जैसे हमारी खीर पकेगी ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई है और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ केसर के धागे। केसर के धागे डालना ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप चाहें तो इलायची पाउडर बाद में भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले डालनी है। तो दोस्तों ये जो सेवई की खीर है इसे बनने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है, बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। और ये देखिए हमारी खीर बस बनने ही वाली है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो ये 1/2 कप मैंने चीनी डाली है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि हम आम की खीर बना रहे हैं। और ये देखिए इतनी ही गाढ़ी हम इसे रखेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी समय पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो ये फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने देती हूँ। और ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो ये देखिए ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे आम का पल्प। तो ये 2 आम का पल्प है जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। तो जब तक मैं आम का पल्प मिक्स कर रही हूँ तब तक आपको क्या करना है कि मेरी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे हिट करना है, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है नोटिफिकेशन के लिए। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम डालते हैं 2 बड़े चम्मच सेवई, और सेवई डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैंगो पल्प, उसके बाद फिर वापस से 1 लेयर सेवई की। इसके बाद फिर थोड़ा सा मैंगो पल्प, और मैंगो पल्प डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मैंगो चंक्स। तो ये थोड़े से हमने डाल दिए मैंगो चंक्स, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये ठंडी होने के बाद में इतनी टेस्टी लगेगी कि जो नहीं खाते हैं वो भी इसे ज़रूर खाएंगे। ये देखिए लग रही है ना कितनी यम्मी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।